चुनाव की इस बेला में कांग्रेस पार्टी घोषणाओं के आधार पर, झूठे वादों के आधार पर सत्ता में आना चाहती है। वो 10 योजनाओं की गारंटी देते हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि कांग्रेस के अपने नेता कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका कांग्रेस के नेतृत्व से विश्वास उठ गया है, उनका कांग्रेस की कार्यप्रणाली से विश्वास उठ गया है, जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके रोना धोना किया, विलाप किया, वो निरुत्साही दिखे। वहीं कल डॉक्टर सुभाष मंगरेट, जो पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा करवाए जा रहे सर्वे पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उन्होंने सर्वे को फर्जीवाड़ा कहा है और उन्होंने यहां तक कहा है कि उत्तराखंड में भी जो सर्वे हुआ था उसमें भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसके कारण उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं आ पाई, और इसी तरह का सर्वे जो है हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। तो इस बात का द्योतक है कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, अपनी कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास नहीं है, अपने कांग्रेस के सर्वे की वो गारंटी नहीं ले सकते, तो वो जनता को किस बात की गारंटी दे रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जिसमें कांग्रेस के अपने दिग्गज नेताओं को ही कांग्रेस के नेतृत्व नीति नियम पर विश्वास नहीं रहा, तो ऐसी कांग्रेस का डूबना तय है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का चलते जनता में जो उत्साह है, और केंद्र की मोदी सरकार और हिमाचल प्रदेश की ठाकुर जयराम की सरकार ने जो अंत्योदय वर्ग के लिए काम किए हैं, उसमें जनता में अभूतपूर्व उत्साह, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास, अनुशासन के साथ निश्चित तौर पर इस चुनाव की बेला में निरुत्साही कांग्रेस, बिखरी हुई कांग्रेस, और जिस कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आ गए और बाकी के नेताओं को अपनी पार्टी के नेतृत्व सर्वे पर विश्वास नहीं, उसकी गारंटी नहीं, उस कांग्रेस पार्टी को जनता को गारंटी देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं।